Hello everyone, the question is let f be a real valued function defined on the interval minus 1 to 1 such that e to the power of minus x into f of x equal to 2 plus integration of 0 to x root of 2 to the power of 4 plus 1 dt for all x belongs to open interval minus 1 to 1 and let f inverse be the inverse function of f. देन एफ इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे क्या करना है, एफ इनवर्स 2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमें यहाँ पे क्या बोला, एक फंक्शन एफ है जो क्या है, रियल वैल्यू फंक्शन है, डिफाइंड एक इंटरवल माइनस 1 से 1 के लिए क्या डिफाइन है, और यहाँ पे इस प्रकार से डिफाइन है, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ से e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x रूट ऑफ t टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 इंटू डी टी. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको. सबसे पहले हम यहाँ पे राइट, इसमें क्या है, दो फंक्शन दिया हुआ है, तो जब यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई यहाँ पे क्या प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे इसमें, एक फंक्शन कॉन्स्टेंट रहेगा, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ से हो जाएगा दिस e टू द पावर ऑफ हो जाएगा माइनस x इंटू क्या एफ डैश एक्स हो जाएगा, प्लस फिर ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स को इंटीग्रेट करें क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ऑफ क्या माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस क्या माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से इसको इस तरीके से राइट डाउन करेंगे, यहाँ से क्या जाएगा एफ ऑफ हो जाएगा एक्स दिस इज इक्वल टू इसका इसका ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, प्लस इसमें लेवनीज रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा दिस रूट ऑफ एक्स वन प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स टू द पावर फोर हो जाएगा इंटू में क्या एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा और माइनस में क्या जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से इसको जब हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर ऑफ हो जाएगा माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से रूट ऑफ वन प्लस एक्स टू द पावर फोर. तो हम क्या करते हैं यहाँ से x इसमें क्या पुट करते हैं x इक्वल टू जीरो एट x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से जीरो ये क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आ जाएगा f ऑफ हो जाएगा जीरो और माइनस सॉरी यहाँ पे क्या होगा f डैश होगा तो क्या हो जाएगा f डैश हो जाएगा जीरो माइनस में आ जाएगा यहाँ से क्या f ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन हो जाएगा. तो हमें यहाँ से f डैश जीरो की क्या वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से f डैश ऑफ हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से वन प्लस f ऑफ जीरो आ जाएगा. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें x इक्वल टू क्या पुट करेंगे जीरो पुट करेंगे. अगर इसमें x इक्वल टू हम जीरो पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से e टू पावर जीरो वैल्यू e टू द पावर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा f ऑफ हो जाएगा जीरो और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से टू प्लस में क्या जीरो आ जाएगा क्योंकि e क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा जीरो टू जीरो क्या इसका लिमिट जीरो से जीरो हो जाएगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा कम्प्लीट इंटीग्रेशन जीरो आ जाएगा. तो यहाँ से एफ ऑफ जीरो वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी टू फाइंड आउट होगी जिसको हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे. तो जब रिप्लेस करेंगे क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आ जाएगा दिस इज वन प्लस टू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एफ डैश ऑफ हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से थ्री आ जाएगा. लेकिन हमें क्वेश्चन में कुछ और फाइंड आउट करना है, क्या बोल रहा है कि एफ इनवर्स ऑफ टू इज हमें यहाँ पे क्या एफ इनवर्स ऑफ डैश मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हमें पता है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एक्स होता है. हम क्या करते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे. पहले हम इनवर्स फंक्शन इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा यहाँ से एफ इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ से इसका इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इनटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एफ ऑफ क्या एक्स हो जाएगा. इसको हम ऐसे राइट डाउन करेंगे इनटू फिर एफ डैश को एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा इसको इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से वन. हमें क्या फाइंड आउट करना है एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स डैश ऑफ टू फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये यहाँ से ये फंक्शन इस कहते हैं मतलब ये क्या जो वैल्यू होगी यहाँ से इसमें आएगी. तो हम यहाँ पे क्या सबसे पहले क्या पुट करते हैं एक्स इक्वल टू जीरो पुट करके देखते हैं. जब एक्स इक्वल टू में इसमें जीरो पुट करें तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा क्या एफ इनवर्स ऑफ हो जाएगा क्या इसका हम डैश निकालेंगे और यहाँ पे क्या जाएगा इसका एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स डैश ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से एफ ऑफ जीरो आ जाएगा ये ऐसे होगा और इनटू में क्या हो जाएगा यहाँ से ये एफ डैश ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स है तो एफ डैश ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से जीरो आ जाएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से वन हो जाएगी.
तो हमें पता है कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई, हमने यहाँ पे टू फाइंड आउट किया है, तो एफ ऑफ जीरो कितना है, टू है, तो हम टू को राइट डाउन करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एफ इनवर्स डैश ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ से टू आ जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, थ्री इक्वल टू क्या, यहाँ से वन आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या एफ इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ से वन डैश ऑफ टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगा वन बाई क्या थ्री के इक्वल आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट भी करना था कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको यहाँ पे इंटीग्रेट, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया था, हमें एक रिजल्ट फाइंड आउट किया, हमने इसको डिफ्रेंशिएट इसलिए किया था क्योंकि जब यहाँ पे एक्स इक्वल टू हम जीरो, जब हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पे एफ ऑफ जीरो फाइंड आउट था, एफ ऑफ जीरो चाहिए था, एफ डैश जीरो चाहिए था, एफ ऑफ जीरो तो हम डायरेक्टली इसमें एक्स इक्वल टू जीरो पुट करके फाइंड आउट कर सकते, लेकिन एफ डैश ऑफ जीरो फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको क्या किया, एक बार डिफ्रेंशिएट किया माइनस वन, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट किया। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा कि एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स इक्वल है, तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, पहले हम इनवर्स फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए, फिर जिसका फंक्शन उसको डिफ्रेंशिएट किए, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या वन हो गया था, हमें यहाँ पे क्या कर दिया एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दिए, जब एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दिए तो जैसे एफ ऑफ एक्स लिखा होता है, एफ ऑफ एक्स में जो एक्स होता है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स में ये एक्स है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या टू चाहिए था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू चाहिए था। अब यहाँ पे टू कब आता है, जब यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, मतलब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होती है, टू होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया था। फिर जब यहाँ से उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा रिजल्ट रिक्वायर्ड आंसर क्या वन बाई थ्री आ गया।